मंजूरी नहीं दी तब भी बवाल और दे दी है तब भी बवाल, सियासत शायद इसी को कहते हैं। चलिए अब पूरी कहानी आपको बता देते हैं। दरअसल दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कन्हैया कुमार पर राजद्रोह का केस चलाने की मंजूरी दे दी है, लेकिन उस मंजूरी पर सियासत गर्म है। बीजेपी कह रही है कि जनता के दबाव में मंजूरी देनी पड़ी, तो कांग्रेस से लेकर आरजेडी तक केजरीवाल सरकार पर निशाना साध रही है। मतलब ये कि केस कन्हैया पर लेकिन सवाल आप पर। ये रिपोर्ट देखिए। किस चीज के साथ हुआ? जिन्ना वाली आजादी मांगने वाले को साथ हुआ? कन्हैया कुमार को लेकर सवाल तो बीजेपी ने चुनावी दंगल के दौरान पूछे। मैंने स्लोगन नहीं लगाया है, ये झूठ है पूरी तरीके से। फिर ऐसा क्या हो गया कि जिस वक्त देश की राजधानी हिंसा की आग में झुलसी, उस वक्त केजरीवाल ने कन्हैया कुमार पर केस चलाने की इजाजत दे दी? केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की वही सोच है जो बीजेपी की है। तो मैं कहूंगा कि एक ही सिक्के के दो भाग हैं, ये दो हिस्से हैं। कांग्रेस ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी को एक ही सिक्के के दो पहलू बताए, तो बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल को जनता के दबाव में फैसला लेना पड़ा। प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट किया, लोगों के दबाव के कारण आखिर दिल्ली सरकार को जेएनयू मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति देनी पड़ी। कानून अपना काम करेगा, ये बात सही है कि जिस तरह की चीजें दिखाई पड़ी वो देश के हित में कतई नहीं कही जा सकती, बल्कि राष्ट्र के विरोध में थी। और ऐसे लोग जो लोग कि राष्ट्र के विरोध में इस तरह की षड्यंत्र और साजिशें और इस तरह की भाषा और इस तरह की बातें करते हैं, उनको जो है वो कुछ बड़े और ग्रैंड रोल पार्टी के नेताओं का समर्थन भी दिखाई पड़ता है। कन्हैया कुमार बिहार चुनाव के लिए कमर कस रहे हैं, लिहाजा केजरीवाल के कदम से आरजेडी भी सन्नाटे में है। ये भी साफ हो गया कि जो सांप्रदायिक शक्तियां, जो लोग उन्माद मचाने का काम करते थे, उनके कई एक साथी का भी उजागर हुआ है इसमें। वो भी उजागर हो गए हैं कि बीजेपी के हिडन पार्टनर्स कौन कौन थे। इस बीच कांग्रेस के दिग्गज पी चिदम्बरम ने केजरीवाल पर हमला किया और दिल्ली और केंद्र सरकार दोनों को घेरा। पूर्व गृह मंत्री ने ट्वीट किया, केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकार को राजद्रोह कानून की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। अदालत को तय करना है आने वाले समय में, लेकिन ये सभी लोग जानते हैं कि ये एक पॉलिटिकल मोटिव से किया गया है। मतलब ये कि केस कन्हैया कुमार पर चलेगा, लेकिन आरोपों के घेरे में है केजरीवाल, जाहिर है सफाई भी दी जाएगी। नीतिगत तौर पे और सिद्धांतिक तौर पे, प्रोसीजरली भी और प्रिंसिपली भी, पॉलिसी आम आदमी पार्टी की सरकार की ये रही है कि हमने किसी भी मसले में बीते 5 सालों में एक भी मुकदमा ऐसा नहीं, एक भी मसला ऐसा नहीं था जिसमें किसी प्रकार की मंजूरी सरकार ने रोक ली हो या ना दी हो। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के अपने विधायकों पर मुकदमे चले। वैसे केजरीवाल को शुक्रिया कहने के बाद कन्हैया कुमार ने अपनी सियासत को धार दी है और अब खुद को बेकसूर बता रहे हैं। हम सबसे पहले स्वागत करते हैं और हमने नारेबाजी नहीं की है, अब ये कोर्ट से देश को पता चलेगा। और पिछले 4 साल में जो ये प्रोपेगेंडा किया गया है, ये झूठ बोला गया है, उनका चेहरा बेनकाब होगा। मामला फरवरी 2016 का है जब जेएनयू कैंपस में कथित तौर पर देश विरोधी नारे लगाए गए थे। करीब 4 साल तक तमाम सियासतों के बाद अब कन्हैया कुमार और दूसरे आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकेगा। आज तक ब्यूरो।